स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन को लेकर विपुल शाह ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकारें और राजनीतिक पार्टियां फिल्म का विरोध क्यों कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को पहले से ही हरी झंडी दिखा दी है। विपुल ने यह भी कहा कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अपने दोस्तों से कहा था कि वो इस फिल्म का प्रचार न करें, क्योंकि इससे वे विवादों में पड़ सकते हैं। बावजूद इसके विद्युत जामवाल ने फिल्म का ट्रेलर शेयर कर दिया। इसे लेकर उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। विपुल से पूछा गया कि बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उनकी फिल्म का हर जगह विरोध क्यों हो रहा है। जवाब में विपुल ने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि केरल में भी हमारी फिल्म चल रही है। मध्य प्रदेश में हमारी फिल्म को टैक्स फ्री तक कर दिया है। इसके लिए मैं वहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा करने से लोग और बड़े नंबर्स में जाकर फिल्म देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि नॉन बीजेपी स्टेट भी फिल्म का टैक्स फ्री कर दे। एंटी मुस्लिम फिल्म होने के आरोप पर विपुल ने कहा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारी फिल्म किसी भी समुदाय और जाति के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। इस मसले में जिसे पॉलिटिक्स करना है वो करें, लेकिन फाइनल जवाब ऑडियंस देती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।